हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज सुनील वर्मा. थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करा सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल से. वैसे जनरली जब लोग अपने चैनल को क्रिएट करते हैं उसी टाइम अपना चैनल वेरीफाई करा लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग उस टाइम उस स्टेप को स्किप कर देते हैं ये सोच के कि हम इसे बाद में वेरीफाई कराएंगे, और वैसे भूल जाते हैं. और लेकिन जब उन्हें याद आता है तो उन्हें वो ऑप्शन मिलता ही नहीं है कि कहाँ से उन्हें अपने चैनल को वेरीफाई कराना है. तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि जब आप अपने चैनल को सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आपको अपने चैनल का नामो निशान दिखता ही नहीं है. या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई मेरा इस नाम से चैनल है, आपका फ्रेंड उस नाम से सर्च करता है तो आपका वो चैनल दिखाई नहीं देता है. क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि आपने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं कराया है और यूट्यूब के डेटाबेस में वो आपका चैनल जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपको अपना चैनल वेरीफाई कराना ही पड़ता है. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप यही देखेंगे कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करा सकते हैं. तो ये जो सारा प्रोसेस है आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या पीसी से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा अपने एंड्रॉइड मोबाइल से, क्योंकि मेरे से बहुत सारे भाई हैं जिनके पास अपना कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है और वो अपने सारे काम अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही करते हैं, चाहे वो वीडियो को अपलोड करना हो, चाहे वीडियो को शूट करना हो. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो फ्रेंड्स, ये है मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन. तो यहाँ से हम सबसे पहले लगे क्रोम ब्राउज़र. तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या है, हमें हमारे स्क्रीन को रोटेट कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको इजीली सब कुछ दिखाई देगा जैसे कि आपको पीसी में दिखाई देता है. तो सबसे पहले कॉर्नर पे आप देखिए ये जो तीन डॉट हैं इस पर क्लिक करके हम देख लीजिए कि ये डेस्कटॉप साइट पे हमने क्लिक नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल साइट हमारी ओपन हो रही है, तो आपको नॉर्मल ही ओपन करना है. तो यहाँ से आपको ऊपर एड्रेस में टाइप करना है YOUTUBE. अब नीचे से मैं सेलेक्ट कर लूँगा. तो दोस्तों मेरा जो चल रहा ऑलरेडी लॉगिन था तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा है. अगर आपका चैनल लॉगिन नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना चैनल को लॉगिन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये एक डेमो चैनल है. तो यहाँ से हम करेंगे व्यू चैनल पे एक बार क्लिक. तो देखिए दोस्तों, ये जो है चैनल ओपन हो चुका है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमाइज चैनल यूट्यूब स्टूडियो. ऊपर अपलोडिंग का बटन है, चार निशान है, घंटी का निशान है. दोस्तों घंटी के निशान के बगल में आप देखिए एन लिखा हुआ आ रहा है, आपको एक बार कर देना है एन पर क्लिक. तो जैसे ही आप एन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ विंडो ओपन हो जाएगी और बहुत सारी सेटिंग आपके सामने आ जाएगी. तो यहाँ से आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर आप देखिए सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, एक बार आपको करना है यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक. तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. अब आपको आना है थोड़ा सा नीचे. तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है नवीन वर्मा एडिट ऑन गूगल, उसके साथ नीचे लिखा हुआ है चैनल स्टेटस एंड फीचर, क्रिएट अ न्यू चैनल अ व्यू एडवांस सेटिंग. तो सबसे पहले आपको जाना है चैनल स्टेटस एंड फीचर के ऊपर. तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नवीन वर्मा वेरीफाई. तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरीफाई है. जब आपका चैनल वेरीफाइड लिखा होता है तो आपका चैनल वेरीफाइड होता है. ये आपसे पूछ रहा है आपके चैनल को वेरीफाई करने के लिए. तो आपको सिंपली करना है वेरीफाई के बटन पर क्लिक. तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. अब आपके पास दोस्तों क्या ऑप्शन है, सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है. तो जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट है इंडिया, अगर आपके सिलेक्ट नहीं हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ये हो गया इंडिया. अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला कॉल मी विद एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मी इन वेरिफिकेशन कोड. अब यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन कोड है दो तरह से आपके पास आएगा, एक या तो कॉल के द्वारा, एक दूसरा टेक्स्ट के द्वारा. तो चाहे जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉल के द्वारा करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और टेक्स्ट के द्वारा करना है तो आप नीचे पर कर लीजिए. तो मुझे करना है ये टेक्स्ट के द्वारा. और नीचे आप देखते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी कौन सी लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है मैसेज के लिए. तो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट है यूके. आप चाहो तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं. तो मुझे लैंग्वेज नहीं करनी है चेंज. अब दोस्तों नीचे यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है. तो यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर देता हूँ. दोस्तों नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो आपको कर देना है इस पर क्लिक. तो
तो जैसे ही आप इस पर सबमिट करेंगे, जो आपका जो वेरिफिकेशन कोड है 6 डिजिट का, वो चला जाएगा आपके मोबाइल को। जैसे कि आप देखते हैं कि ऊपर वेरिफिकेशन कोड हमारा आ चुका है, तो एक बार हम देख लेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन कोड क्या है। उसके बाद उस वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पे करेंगे एंटर। तो मैं देख लेता हूँ कि जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है वो है 057994, तो इसे मैं कर लूँगा वहाँ पे एंटर। अब यहाँ से मैं करूँगा सबमिट पे क्लिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा मैसेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर यूट्यूब चैनल इज़ नाउ वेरीफाइड कंटिन्यू। जो हमारा चैनल है वो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है काफ़ी सिंपल तरीके से। अब आपको यहाँ से कर देना है एक बार कंटिन्यू पे क्लिक। अब आप दोस्तों देखिए कि जो पहले क्या आ रहा था, पहले आपके वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा था लेकिन राइट का निशान नहीं आ रहा था, अब आपके नीचे यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कितना जल्दी और कितने इजी तरीके से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपना यूट्यूब चैनल वेरीफाई करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स से सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।